नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत खेला के भायल करोड़पति। के भायल करोड़पति। सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे, हमारे जो खेला है इसकी कोई शाखा नहीं है, कोई विशाखा भी नहीं है, कोई विशाखापट्टनम भी नहीं है। लीजिए यार, इंट्रोडक्शन में ही भारत भ्रमण हो गया ये तो। फिर भी अपना इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हम एक चीज करना चाहेंगे। ये देख रहे हैं आप, यह है कॉपी। ये कॉपी हमने अपने राइट में रख दी, तो अभी शो का कॉपी राइट सारा हमारे पास। सर, आपसे हम कोई सवाल पूछें, उससे पहले हम जरा ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाउ इज द जॉक्स? हाउ इज द जॉक्स? तो यहां पर देवियों और सज्जनों, हमारे साथ जो हॉट सीट पर बैठे हैं वो हैं जो करोड़ों का खजाना ढूंढते हैं, और यहाँ एक्सपर्ट की सीट पे वो हैं जो पैसे मांगने का बहाना ढूंढते हैं। तो मैं मांगेगी, मैं हक से मांगती, तेरे जैसा नहीं है कि दूध के लिए भैंस के सामने ऐसा घुटना टेक देती है, मैं ऐसा नहीं है। क्या बात है, बकवास करे ले। तो शुक्र मनाओ कि हम आज होस्ट हैं। नहीं, मैं शुक्र नहीं मनाएगी, मैं शनिवार और इतवार मनाएगी। क्योंकि हमारा शो सैटरडे संडे आता है ना, तो वही से मनाएगी। तू शुक्र मना। अरे तुमको जो मनाना है मनाओ यार, हम खेला शुरू करते हैं के भल करोड़पति, लेट्स गो। तो पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, आप जिस फोन पे बात कर रहे हैं वो किसी और के साथ व्यस्त है, तो पागल औरत उसको बोल अरोड़ा साहब का फोन है। फिर वही लाइन रिपीट कर रही है, बेवकूफ। मैं आ गया, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ, सब पहले से बैठे ही हैं। मैं तेरी चोटी को बोल रहा हूँ। कब से खड़ी है बेचारी बिटा। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ये चोटी खड़ी है, ये हेयर स्टाइल है कि जुओं के लिए कुतुब मीनार बनाया हुआ था? ओह माय गॉड, इधर टोटल धमाल वाले हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। अजय जी, आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, आपकी इजाजत हो तो 90 ml तक देख सकता हूं। बीच में ना झपकना मत, मेरे को बॉटम अप करना है। ओह माय गॉड, माधुरी दीक्षित जी आई हुई है। आए धक धक करने लगा। माधुरी जी, आपके चेहरे पे इतना ग्लो है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे जब पानी वगैरह पीते हैं या खाना खाते हैं, बैठ के खाना चाहिए कि जैसे शादियों में प्लेट लेके खड़े होके खाते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होके खाती हूँ? खड़े होके खाना चाहिए, ऐसे चेहरे पे ग्लो रहता है। क्या बात है अंकल, कैसे? बहुत अच्छा। अंकल आपने किधर से कोर्स किया है? किस बात का? ये सब फालतू बकवास करने का। मेरे को बताओ ना, मेरे को भी लगेगा। तुमको नहीं लगेगा, तुमको फंगस लगेगी। बहुत ज्यादा पली हुई। और अच्छा सिद्धू साहब, मेरी बद्दुआ दिल्ली के करोल बाग में बड़ी फेमस है। अच्छा, मैं किसी को बद्दुआ दे दूं लोग पैर पड़ जाते हैं। क्यों? जैसे आप कहते हैं मुझे दुआओं में याद रखना, मैं कहता हूँ बद्दुआओं में याद रखना। अच्छा, मैंने इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं दी हैं, लेकिन बेटा तेरी शक्ल मेरे को सबसे ज्यादा गंदी लगी। अब ज्यादा ही नहीं बोलना, मुझे रखी तो खुद को अजय देवगन मत समझो। सही बात है बेटा, मेरी मुझे रखी नहीं हुई, मैंने अपने आप आ गई। तू क्यों कटवा के इधर बैठी है लालची औरत? मैंने एक बार चुपके से देखा ये लड़का है। अच्छा मैं तुम्हें पता है, मैं ना अपने आप को अजय देवगन समझता हूँ, ना रितेश देशमुख, मैं अपने आप को मिस्टर इंडिया समझता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ मैं उनको दिखाई नहीं देता। ऐसा कैसे दिखाई नहीं देते आप? क्योंकि मैं फोन पे बात करता हूँ झाड़िए। सुनिए, अगर आपके पास इतना ज्ञान है, आप एक्सपर्ट क्यों नहीं बनते हमारे शो? मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। क्यों? मुझे किसी का एक्स बनना पसंद नहीं माधुरी जी। मैं सिर्फ पट बनूंगा, पट। मेरे पे सूट भी बड़ा करता है, मैं पट पट गंज में रहता हूँ।
ठीक है हम खेला शुरू करते हैं सर इनका अजय, तो एक बात मैं तुम्हें बताऊं बेटी हाँ। हालांकि तुम मर्दों से भी बड़ी हो पर इस आदमी के पीछे कभी नहीं बैठना इधर आ जाओ इसने गलती से भी कुछ कर दिया तो ये सारा नकली सामान लगा के घूम रही हो उड़ जाएगा कुछ भी बोलते क्या क्या बोलते हैं अंकल अरे अंकल का चलता है बोलते ही रहते हैं तुम इधर आ जाओ बेटी इधर आ जाओ चलिए अभी हम खेला शुरू कर रहे हैं खेला शुरू करने से पहले आपको खेल के कुछ नियम बता दें जिनका आपको पालन करना होगा ओ, पालन का क्या तू क्या पालन करेगा पालन करना है तो सरकार की वो बात का पालन करना कि बच्चे दो ही अच्छे मालूम है 11 बच्चे माधुरी मैम इसके तो हम अपने 11 बच्चों में से दो अच्छे बच्चे ढूंढ रहे हैं यार मिल जाएंगे तो हो जाएगा ना तो चलिए गेम शुरू करते हैं इसके बाद अगर बीच में आप कुछ भी बोले ना लाइफलाइन उठा के मारेंगे तुमको समझ रही हो तेरे को कुछ उठा के मारने की जरूरत ही नहीं है तू वो मार जो तू मारता रहता है खुद ही मर जाएगी एक दिन में 6 धोतियां फट जाती इसकी आपको बता दें ये खेला में जो है 4 लाइफलाइन है ऑडियंस पोल फोन अ फ्रेंड एक्सपर्ट्स की राय जिसका ऐश्वर्य जी से कोई लेना देना नहीं है और 50-50 अब 50-50 है ही गलत या तो 60-60 होता है या 90-90 अरे अंकल एक मिनट 30-30 भी तो होता है ऐसी लड़की होती जिनके पति शराब नहीं पीने देते ये फिर बातों बातों में ऐसे दुपट्टा डुबो लेती शराब में बाथरूम में जाके दुपट्टा चूसती है हट सर एक भी शब्द और बोले ना हाँ। निचोड़ के सुखा देंगे आप तू सुखा सकता है मेरे को पता चलिए शुरू करते हैं तो 327 रुपए के लिए आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा इसमें हम जानना चाहेंगे कि हम किस खंड की बात कर रहे हैं यहां आपके ऑप्शन है ए श्रीखंड बी झारखंड सी पाखंड या डी लोखंड सारे सवाल गलत है आए? सारे ऑप्शन भी गलत है कैसे गलत है सब सही तो है मैंने मान लिया गलत है अरे ऐसे कैसे तुमने मान लिया तो कैसे गलत हो गया मैं मान लेता हूँ मैं कुछ भी मान लेता हूँ आप यकीन नहीं करें कल मैंने एक बकरी को मुर्गी मान लिया उसको अंडा देना पड़ा एक मिनट बकरी कैसे अंडा दे सकती है पुटुक करके नहीं मैं आपको बताता हूँ उसने मुर्गी से मांग के दिया उनके रिलेशनशिप अच्छे थे अच्छा माधुरी जी नॉर्मली आपने सुना होगा बच्चे भगवान का रूप होते हैं ये पहला बच्चा है जो गोदाम का रूप है आपको पता है ये पैदा हुआ एक दिन में नहीं होता ये 6 महीने तो हुआ जा रहा था डॉक्टर आया इनके माता पिता कहते क्या हुआ कहते पता नहीं अभी हो रहा है इस बात को सख्ती के साथ आपको पता है धोती क्यों पहनता है इसने एक बार जींस ली बड़ी महंगी पड़ी पता क्यों उसमें जिसने जिप लगाई ना वो कंपनी लिफ्ट बनाती है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है खुद ही हंस रहा है पागल कहीं का एक मिनट रुक जाइए यार यहाँ पर रोकते हैं खेल को एक काम करते हैं एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं ऐड कौन करेगा यही करेंगे यार एक लाइन में 10-10 लाइन ऐड कर रहे हैं और कौन करेगा याद नहीं करेगा क्या बात है वाह वाह खेला आगे बढ़ाते हैं अगला सवाल आपके लिए 899.90 रुपए के लिए आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहा जाता है रात गई बात गई अब ये बात जो गई वो कहां गई आपके ऑप्शन है ए बात बिगड़ गई ऑप्शन बी कोई लेडी बात को होठों में दबा के ले गई ऑप्शन सी बात का भतंगड़ बन गया या ऑप्शन डी
बात पते की थी तो अपने पते पे चली गई। देखिए कठिन सवाल है, हम जानते हैं, आप चाहिए तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। सपना, वेरी सिंपल, मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, रात के बाद, हाँ, ऑडियंस पोल लगेगा मेरे को। अरे ऑडियंस पोल खेल नहीं सकता। क्यों? ऑडियंस पोल का किसी ने पोल खोल दिया, शर्मिंदा होके भाग गया। अच्छा एक बात कहनी चाहता हूँ बच्चा, ये जो तुम्हारा सर है इसको तोड़ के पिया करो, ठंडा होता है गर्मियों में। ये कैसी बातें करते हैं यार आप? पागल वाली है। आप कौन से ग्रह से आए हैं? From where are you? तुम क्या अपना मुंह ऐसे रात को पानी में डाल के सोते हैं कि इतना फूल गए? जा भाई, जा भाई। देखिए आपसे अगला सवाल पूछते हैं, ये थोड़ा शो से बाहर निकल के पूछ रहे हैं जनरली, कि जो पहली धमाल फिल्म आई थी उसमें W के नीचे खजाना था जी, तो खजाने के ऊपर क्या था? पागलों वाला सवाल। वेरी सिंपल, W। नहीं यार, खजाने के ऊपर तो पूरी फिल्म थी। क्या बात है, खेला तो चलता रहेगा यार, बीच में जॉक्स भी आना चाहिए, मजा आता है यार, माहौल बनता है। आउट द जॉक्स। अच्छा जितने तेरे जॉक्स चलते हैं इतना कहीं तू चलता तो तेरे अंदर में से एक आदमी निकल के कहीं और चल रहा होता। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ तब से, जैसे नाक के नीचे ठुड्डी होती है, ठुड्डी के नीचे क्या होता है? गर्दन। तो तेरी कहाँ है? मैं भी जॉक्स मारता हूँ, मैं बताता नहीं। और सर जॉक। एक बार फिर सर इन्हें इग्नोर करते हुए करना पड़ेगा, नहीं तो खेला के आगे बढ़ता नहीं है। तो आगे बढ़ाते हैं खेल को। अगला सवाल 1100 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन। वैलेंटाइन के दिन क्या मनाते हैं? ऑप्शन ए, पापा को पैसे देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन बी, दोस्तों को गाड़ी देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन सी, पकड़े जाने पे पुलिस को मनाते हैं कि सॉरी सर, शी इज ऑलमोस्ट लाइक माय वाइफ। या ऑप्शन डी, अपने दिल को मनाते हैं कि ऐसा कोई त्योहार है ही नहीं, ये सब भ्रम है। अगर सवाल मुश्किल लग रहा है आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। किसका बजा रे? किसका बजा? मेरे ने बजा। अरे सॉरी यार, हमारा बजा। माय एलो पॉजी कंटिन्यू कर। बताइए सर जवाब। अपने आप को ही मनाते कि ऐसा कोई त्योहार ही नहीं। करेक्ट है सर, कमाल का जवाब दिया है आपने। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है तो आप जीतते हैं 1100 रुपए। कहाँ है पैसा? पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो है वो एक फिजिकल सवाल है, इसके लिए सपना जी आपके हमको मदद लगेगी जरा। हाँ, बताओ बताओ प्लीज। ओके, तो जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि डांस करते हुए अगर आपको खुजली आ जाए तो कैसे खुजाएंगे? इसमें आपका ऑप्शन ए, वेरी सिंपल, अगर पेट में खुजली रहता है तो ऋतिक का स्टेप करने का। ऐसा बहुत सिंपल ऑप्शन। और अगर ऐसा आगे पेट पे खुजली रहता है तो माधुरी मैम का करने का, धक धक वाला। ऐसा वाला। और तीसरा वाला अजय जी, अगर हाथ पे भी खुजली है, सर पे भी खुजली है और इधर छाती में भी खुजली है तो मेरे घर का स्टेप है गोविंदा जी का करने का। अजय, मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ, अगर कहीं पे भी जगह खुजली है फिर सिद्धू जी का डांस। ओए ओए ओए। अंकल। हाँ अंकल, आप उठ क्यों नहीं जाते? कहाँ से? दुनिया से। एक आदमी ना 84 लाख योनि के जन्म के बाद मनुष्य का जन्म लेता है, तो इसलिए लेता है सब फालतू बकवास करने के लिए। कुछ भी बोलते रहते अंकल। उठने से याद आया ये बंदा बड़ा गलत है, सुबह 5 बजे भैंसों को उठा देता है ये। तो हमको उनका दूध निकालना होता है। तेरे को कोई सुबह से उठा कर तेरा दूध निकाले तो? ये क्या बात हुआ, हम दूध नहीं देते हैं। तो ढास खाया कर, घास खाया कर। मेरे को पक्का यकीन है एक शिफ्ट में कम से कम 20 लीटर दे सकता है।
हम कभी और ट्राई करेंगे, अभी खेला आगे बढ़ा रहे हैं हम। तेरा सवाल ही गलत है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। सवाल क्यों गलत है? मैं माधुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सवाल पूछने में मेरी मदद करे। अभी ये एक एक्शन करेंगे और तुमको बताना है कौन सा स्टेप है। और वे पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे। हम कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है। तो लेवल बेस्ट। ये कुछ अपना ये खेतों से रिलेटेड है। फ्रॉम द चने के खेत में मेरे को पता था, आप कोई और स्टेप करो। अरे यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कुर्सी में बैठे बैठे स्टेप हो रहा है। ये अपना ये डॉलर डॉलर ये तो मेरे को पता था, कोई और करो। एक दो तीन। हाँ देखो, अब एक बात बताता हूँ। तुम 50-50 रुपए के सवाल पूछ रहे थे, मैंने फालतू का सवाल पूछ के करोड़ों का डांस देख लिया। अगला सवाल 1100 के लिए। 1100 देगा कौन तेरा बाप? निकलो यहाँ से। अग्रेसिव होने का जरूरत नहीं है, अग्रेसिव नहीं। तेरे साथ हिंसक मैं हो भी नहीं सकता। एक काम कर, इसके ऊपर बैठ के लड़की तोड़ दे। मेरे को ये पसंद नहीं आई, बहुत लंबी है। तो ये आज का खेला यही समाप्त करते हैं। बोल। अरे तो आज का खेला हम यही समाप्त करते हैं, हो गया खेला खत्म इनकी वजह से, वरना हम और खेल सकते थे। तो एक बार अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और रितेश देशमुख के लिए जोरदार तालियां। अच्छा मैं हमेशा कभी भी सेल्फी नहीं लेता, क्योंकि सेल्फी लेने से मुंह बड़ा आता है। तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तू ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।